तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से कंट्रोल में। आई होप आपको आज के एपिसोड में मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सबसे पहले तो शाउट आउट टू द लेटेस्ट एंड हमारे सबसे नए मेंबर्स रॉनी मंडल एंड आयुष्मान वर्मा। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग मेंबर्स। अगर आप लोग भी मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, वहां पे आपको दो लेवल्स मिलेंगे। जो आपका मन करे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको थोड़े से बेनिफिट्स मिलेंगे ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम्स या कमेंट सेक्शन में, आपको लॉयल्टी बैजेस, आपको कस्टम इमोजीज, ये सब मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। लाइक करना ना भूलिए इस वीडियो पे। अगर आपको और एपिसोड चाहिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब शेयर। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में कि हम लोग पहुंच गए हैं पेनोप्टिकॉन में, यही नाम था ना, वहां पे जहां पे हमारे भाई डिलन को रखा हुआ है कंटेनमेंट एरिया में। उसकी पावर्स बदल गई है, अब वो डेंजरस हो गया है एंड उसको यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। पहले वो डायरेक्टर बनने वाला था लेकिन हम बन गए, तो देखते ये कहानी किस तरफ जाएगी, लेट्स गो। तो जैसे ही जेसी को डिलन की लोकेशन पता चली वो सीधा ही कंटेनमेंट फ्लोर पे आ गई। माय ब्रदर्स कीपर हमारे मिशन का नाम, हम अपने भाई डिलन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन डिलन भी शायद हमारी वेट कर रहा है। क्या उसके अंदर भी कोई है? जैसे हमारे दिमाग के अंदर पोलारिस है, पोलारिस को शायद पता था डिलन के बारे में एंड उसको पता था कि वो करप्ट हो चुका है या उसकी एनर्जी बदल रही है, इसीलिए वो पहले हमें यहाँ तक लेके नहीं आई। शायद यही सही टाइम था, पोलारिस को पता था इस समय में आना पड़ेगा, हम यहाँ के डायरेक्टर बनेंगे, ट्रेंच अपने आप को गोली मार लेगा। बहुत कुछ था भाई। एंड ये कंटेनमेंट एरिया ऐसा है, मेडिकल विंग में आ गए उसके, कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे प्रिजनर बना के रखा होगा इसने। ये पड़ा है सब बैक टू ग्रिप, खोपड़ी खोल भाई इनकी फटाफट, चांस नहीं दे सकते इनका। ये कौन से टारगेट आ गए? चल भाई तेरी रॉकेट्स लॉन्च हो रहे मेरे पास, शील्ड चाहिए यहाँ पे, अटैक कैसे करोगे? लेकिन धमाका हो रहा है शील्ड के साथ भी। ओ तेरी, मेरे हाथ में रॉकेट ही था। डाई, खोल दिया सबको, एक एक करके सबको खोल दिया। डिफेंस के लिए अच्छा तो है शील्ड, थोड़ा सा अटैकिंग पावर होता ना साथ ही साथ तो मज़ा आता। उसी शील्ड को अगर हम लॉन्च कर पाते और भी धमाकेदार हो जाता, क्योंकि डिफेंस ऑफेंस एक साथ चालू। लेवल 6 क्लियरेंस चाहिए, दैट वी डोंट हैव। तो इस एरिया से आगे निकलते हैं। नई डायरेक्टर की फ़ोटो हर एक पोर्ट्रेट में चढ़ गई है, एक बिल्कुल नई दुनिया है इन पोर्ट्रेट्स के पीछे, एक एस्ट्रल वर्ल्ड जो इन लोगों ने, इस ब्यूरो ने यूज़ करने की कोशिश की। एक शेल्टर मिला यहाँ पे, होपफुली हम सही रास्ते जा रहे हैं, शायद ही हम सही रास्ते जा रहे हैं। सिक्योरिटी के उस तरफ से जाना था, मेडिकल विंग में आना ही नहीं चाहिए था हमें। कोई ना, माल तो मिलेगा यहाँ पे। एक रास्ता यहाँ से जा रहा है सिक्योरिटी सेंटर की तरफ। ये सारे दरवाजे आड़े टेढ़े क्यों हैं भाई? कुछ खुल रहे कुछ बंद हो रहे। ओ नो 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 नो, ये पत्थर तो फूटता है यार, एक्सप्लोसिव है ये। यप, अब जाके दरवाजा खुला है। ओके, एक्सप्लोसिव रॉक्स, इनके बिल्कुल पास नहीं जाना। ये दरवाजा कैसे खुलेगा भाई? एक्सेस चाहिए अंदर जाने का मुझे, की कार्ड चाहिए लेवल 6 का। ओह, What is that? Headshot. Open. ये तो और भी बड़े zombie type है यार। Open. ये तो last of us वाले zombie लग रहे हैं। ओ बे हाँ बे, fungus वाले। Oh. ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन पियर्स के साथ तो एक ही चार्ज में दोनों गॉन, एक के पीछे एक, के पीछे खत्म नहीं हो रहे। ये किसको चाहिए? कुछ को चाहिए, ले फिर मुंह पे।
इनको कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ यार, इनको भी सीज कर सकता हूँ, लेकिन वो जॉम्बीज की तरह आए जा रहे पीछे से, निकल निकल के मार। उल्टियाँ कर रहे हैं ये तो बिल्कुल भी अच्छे जॉम्बीज नहीं है। उल्टी करने वाले जॉम्बीज हमें बिल्कुल नहीं पसंद। नए नए आ रहे हैं अब हमारे पास मॉड्स, लेवल 4 के शायद। ये गया बस्टेड। ओफ, कम ऑन, क्या है ये सब? बत्ती लगा दी यार इसने एक ही बार में। ये नए जीव जंतु कंटेनमेंट एरिया के अंदर इन्फेक्ट कर रहे हुए, ये सारे एस्ट्रल वर्ल्ड से आए लगता है। इसके ऊपर चल नहीं सकता क्या मैं? चल तो पा रहा हूँ, लेकिन जिंदा रहूँगा या नहीं? एक गेट इस तरफ को जा रहा है। क्या क्या बनाया है बॉस ये, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या इफेक्ट आ रहा है। फोन उठा के मारूंगा तुम सबको। म्यूजिक तकड़ा है, फटाफट डिलन को ढूंढो, बाहर निकालो इस एरिया से। वो कैसे सरवाइव कर रहा है इतने टाइम? निकल ले बिड़ू, निकल ले, कल्टी होले सिक्योरिटी। रास्ता तो सही पकड़ा हमने, ऊपर वाली फ्लोर पे आ गए। कंट्रोल्स, P6 is what the bureau calls Dylan. His cell's been breached. P6 खुला पड़ा है। Are you there with him? Can you protect him? हम लोग पोलारिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आर यू देयर विद हिम? क्या दोनों बच्चों के अंदर पोलारिस था? उसकी हेल्प करो भाई। P6 खुला पड़ा हुआ है, मतलब उसका सेल खुला पड़ा हुआ है। हिस शायद उसको इन्फेक्ट कर देगी। यही मतलब तो नहीं था उनका कि उसकी पावर बदल चुकी है? He has been corrupted. बच के रहना उससे। Man, ये जितने भी लोग स्टेसिस में है ना, वो बहुत खतरनाक लगते हैं। प्राइम कैंडिडेट प्रोग्राम ट्रांजिट। की कार्ड ढूंढना पड़ेगा मुझे फटाफट। बहुत सारी फाइल्स है आसपास। लेकिन और किसी का नामो निशान नहीं। इंट्रोडक्शन टू पैरा नेचुरल टॉपिक्स। ये क्या चल रहा है? Investigating a suspected altered world event case in the New York City subway tunnels. Oldest house. ये पूरी बिल्डिंग ही ओल्डेस्ट हाउस है। थैंक यू डॉक्टर डार्लिंग, तुझसे बाद में निपटता हूँ। ये जा रहा है पैनोप्टिकॉन की तरफ, ये ले जाएगा मुझे प्रिजन की तरफ। एक, डिलन, दो, सीधा ओशन व्यू मोटेल में वापस। एक और खतरनाक पजल, फिर दोबारा चाबी ढूंढनी है इस रूम की हमें। That will take us back to the real world. कुछ चिल्ला रहा है इस बार मोटर में। ओ, 223 में कुछ चल रहा है। हेलो, दरवाजे खोलो फटाफट। पहला दरवाजा खुला। ओ, पूरी दुनिया पलट गई है इस बार। सब कुछ ऊपर नीचे, पंखा जमीन पे आ गया है, टेबल चेयर बिस्तर सब का सब ऊपर। क्या चाहता है ये, क्या दिखाना चाहता है ये हमें? घड़ी में अभी भी वही बज रहे यार, 3:45। दूसरा दरवाजा खुला,
एंड यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सही का सही। आवाज आनी भी बंद होगी, चिल्ला कोई नहीं रहा। थर्ड टाइम इज द चार्म एंड इस बार खुला है लास्ट वाला दरवाजा। एंड पेंटिंग के पीछे कुछ है, पेंटिंग उल्टी है, पेंटिंग उल्टी क्यों थी भाई? क्या हमने दुनिया पलट दी? कुछ तो हुआ होगा इसके साथ। चाबी नहीं थी इस बार यहाँ पे। एंड पेंटिंग पलटते ही यहाँ की दुनिया पलट दी हमने। चाबी इस रूम में। इस ओशन व्यू मोटेल का कुछ बड़ा राज है, कुछ बहुत ही बड़ा राज। वापस से चलते हैं पेनोप्टिकॉन में। हमें डिलन की शक्ल क्यों दिखी एक बार? हम उसी कॉरिडोर में खड़े हुए हैं पेंटिंग में। फाइंड डिलन। सिक्योरिटी से पार हो गए हम। द लॉ ऑफ थ्री अप्लाई तो कर रहा है ऑलमोस्ट सारी जगह पे। It's been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. What kind of man he'd grow up to be, were things as hard for him as they were for me. Maybe in here, they were even harder. सही बात है। डिलन के लिए शायद और भी मुश्किल हुआ होगा। उसको उठा के यहाँ पे ले आए, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड ये कौन है? हेलो, सुपरवाइजर। हेलो, is there something I can help you with? I'm Jesse, the new director. I need to get inside. New director? Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. I don't have time for this. Power and... I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated, away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benicoff TV? It's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. Jesse and likes please, to touch ma'am, everything. Call me Fred. Thanks, Langston. तो डिलन तो अंदर है ही वहां पे, लेकिन बेनिकॉफ टीवी एक ऑब्जेक्ट ऑफ पावर वहां पागल हो चुका है। इधर सिर्फ आदमी ही नहीं, ऑब्जेक्ट्स भी ऑल्टर्ड है, तो वो भी बहुत डेंजरस चीज है। लेवल 5 का ऑब्जेक्ट है ये। सबड्यू द बेनिकॉफ टीवी ऑब्जेक्ट ऑफ पावर ऑन द फोर्थ फ्लोर। डिलन्स क्लोज, बट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ पावर माइट रेक दिस प्लेस बिफोर आई फाइंड हिम। उस ऑब्जेक्ट ऑफ पावर को अपना बनाना पड़ेगा पहले तो, वरना ये पूरा का पूरा एरिया गया। डिलन तो दूर की बात है, कोई भी नहीं बचेगा। आप ढूंढने जाए तो कहाँ ढूंढने जाए, सामने की तरफ ही दिखा रहे हैं। तो सारे के सारे फ्रेड के बंदे मर चुके हैं यहाँ। फ्लोर नंबर 4 की तरफ जाना मुझे। लिफ्ट कहाँ है बाबा, ये बता। थोड़ा लेवल अप भी करना पड़ेगा। एक और वेपन फॉर्म स्लॉट चाहिए। पर्सनल मॉड्स में तो हमने हेल्थ और एनर्जी लगा रखी है। एक प्राइम मॉड मिला है हमें, 11% एनर्जी देता है ये। वी हैव दिस वन जो रिकवरी स्पीड बढ़ा देगा बाई 33%। इसको लगा लेता हूँ मैं थोड़ी देर। लिफ्ट का है, लिफ्ट कहाँ है? एक और ओ ओ पी
A mailbox? Objects ko yahan pe rakha hua hai yaar band karke. Human to dikh bhi nahi raha mujhe. Objects hi objects hai. Ek picnic basket. Kitne tarah ke oops hai. बचपन में किसी प्रोजेक्टर के साथ हमारा पंगा हुआ था. एक फैन, एक टेबल फैन. ये चल क्या रहा है? एक हैमर. ओके, ये क्यों मार्क ऑफ? T6 सेल लेवल 5 पे है. AI कंटेनमेंट ले चल भाई ऊपर सीधा. ऑल्टर्ड. Something went wrong with the Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? I don't think she's telling me everything. सही बात है, क्या पता ब्यूरो की गलती हो, उसकी पावर इसीलिए चेंज हो गई हो, उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हो. डायरेक्टर बनाना चाहते थे उसको बचपन से. वो कुछ उड़ता हुआ दिखा मुझे. ओ बात तेरी. यहाँ पे तो हम वेपन भी नहीं निकाल सकते. ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? रुक जा भाई, बच के बाबा. ये टीवी कहाँ रखे हो तुम? Hello? Is anyone there? है? रुक जा भाई, पहले कंट्रोल पॉइंट लेने दे मुझको. पहले कंट्रोल पॉइंट लेने दे. अबे ये फ्रिज के सामने क्यों बैठा है? What are you doing in there? Oh, thank God. Look, someone has to watch this object at all times, or it deviates. My shift replacement never showed up. Can you help me? Damn. I can't. I'm sorry. There's an emergency. I'll come back. I promise. Okay. Okay. Just don't forget. I can't stare at this thing much longer. Whoa. Fridge duty. Assist the agent in the panopticon cell after Dylan has been found. Oh, after Dylan has been found. इसकी हेल्प करने आना पड़ेगा वापस यार. अगर इसने कहीं और देखा थोड़े समय के लिए भी तो ये deviate हो जाएगा object. I don't know what that means. लेकिन कुछ बुरा जरूर होगा अगर ये फ्रिज बाहर निकल आया. सबको जमा देगा शायद. गोलियां चल रही है. ओके, अबे इन पे तो शील्ड वील्ड लगी है. ओ नो, ये पड़ा डब्बा इसके सर पे. मेरे बंदे मरने नहीं चाहिए. नीचे उड़ देगा, नीचे उड़ेगा. ले भाई पका इसके सर पे. भाग रहा है. अब गोली खा. करना पड़ेगा इसका सब टीम. मेरे ऊपर चीजें फेंकता है. अब तू हमारे अंदर है. सामने देख भाई, तुम मेरे सामने मत आओ. गए सब्ड्यूड एंड शील्ड. शील्ड लेके बिल्कुल पास आ जाओ उनके. एंड फिर बूम, खुद की जान ले लो. पड़ा सर पे सबके सब खलास. एवरीवन गुड सोल्जर्स. चलो कुछ यूनिट्स तो है यहाँ पे जो इन सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. मैं अकेला तो नहीं. अरे अरे अरे, ये लाश भाई, ये लाश. हटा भी नहीं सकता मैं इस लाश को. उस दरवाजे के अंदर वो पिल रहा है बार बार. दे धना धन. That's the object of power. I need to cleanse it. एक टीवी ही तो है. With a lot of power. भवंडर ले आए तो पूरी दुनिया बदल दी इसने. ओ हो.
लेवल 5 का ही है ओओपी। इसको कैसे क्लेंज करेंगे हम लोग, उसके पास तक कैसे पहुंचेंगे? इसने खुद ब खुद हमें अलग डायमेंशन में खींच लिया। क्लेंज द बेनिकॉफ टीवी, दुनिया पलट दी इसने, टेबल चेयर साइड वॉल पे, छत कहीं और जमीन कहीं और, घन चक्कर बना दिया इसने पूरा, सब कुछ आसमान में फ्लोट करता हुआ। जेसी उस टीवी के पीछे एंड चारों तरफ हिस ही हिस। नप, आसमान में खत्म नहीं कर पाओगे तुम, ये सब का सब मेरे सर पे गिरेगा एक साथ। Am I right? कुछ तो हो रहा भाई, ये नीचे गिरा, ये पिटा। इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा? नेड फेंक रहा ऊपर से, ये एक और गिरा ऊपर से टपका कोई, ये मेरे सामने टपका कोई। कंट्रोल मांगता है भाई अपन को कंट्रोल। ये अकेले अकेले वाट लगा रहे हैं मेरी, बताओ क्या क्या पटक दिया इनने यार। शिट, कैसे मरेगा सेल्वाडोर फौजी कहीं के नीचा। ये ले तेरी आर्मर पीएस करके मारनी पड़ेगी। ये ले, हो भी रहा डैमेज इस बंदे को, बस कहां भाग गया ये, दे मुंह पे मार इसको। छोटू भी आ गए सारे के सारे एक साथ, मैं मारूंगा सेल्वाडोर। ओब बम फेंक दिया सेल्वाडोर भैया, नीचे घुस गया जमीन के अंदर, गॉन। लेड़ाए, ये कौन आया, जो भी था गया बहुत बुरी तरह। मैं पीछे आ गया एक बंदा, पीएस करो इनको, पीएस कर करके मारूंगा मैं। भाग गया यार बड़ी जल्दी, क्राउच क्राउच बेटी, ले सेल्वाडोर तेरे छोटे छोटे बच्चे। पड़ी सेल्वाडोर को, नहीं लग गया मुझे रॉकेट लग गया। शील्ड लो शील्ड लो, हेल्थ ले क्या, हेल्थ ले क्या फटाफट, बच के रहना रे बाबा। सेल्वाडोर कहाँ है भाई, झुकते ही कौन, ले भाई तू शांत क्यों नहीं हो जाता, तुम्हारे बाप से लड़ रहा हूं मैं, ऊपर से ये भी चढ़े हुए एक साथ। अब कहां छुपेगा सेल्वाडोर, और बाहर निकल, ये पियर्स होने वाला है तू। ले बेटा शील्ड वापस लाया अपनी, ले फिर गुस्सा दिलाता है अपन को, ले फिर बॉम्ब फेंकेगा। थोड़ी सा बचा है, थोड़ा सा हेल्थ बचा है, शील्ड निकाली एंड पियर्स। वो हो सेल्वाडोर भैया ढेर हो गए, था कौन ये सेल्वाडोर, अभी भी आवाज क्यों आ रही है? ओ कोई बचा है, कोई बचा है तो।
तू ही बचना था. That thing was Salvador, the head of security. His team didn't stand a chance against the Hiss. No one here does. Head of security था वो. वही transform हो चुका था. A TV. Another object of power gone nuts. सारे object of power nuts हो रहे यहाँ पे. The Benicoff TV. Cleanse it. Purify it. TV के तार बदल दो अब. सही ट्रांसमिशन आएगा. बहुत सही. Levitate मिल गया भाई हमें. Levitate. Are you serious? Hold X. Oh. ये हुई ना बात. नीचे कैसे आने का यार. कीप होल्डिंग एक्स तो ऊपर जाते रहूंगा मैं. एंड एक और बार एक्स दबाया तो नीचे. ये मस्त है. कहाँ जाने का आप उनको. नीचे ऊपर बताओ भाई. आप उनको उड़ने का है क्या. उड़ने का. कितने दूर तक उड़ सकता हूँ मैं. अचानक से खाई में ना गिर जाऊं. धीरे धीरे खुद ब खुद नीचे आ रही है वो. एक्स वाइल फॉलिंग टू स्लो फॉल. ओ ये भी सही है यार. दे पिछवाड़ पे कुछ. अरे ये अपन को मारेगा. वैसे हाइट से गिर के भी तो मेरी मौत हो सकती है. अपुन गया ऊपर. अब मारेगा तुम्हें छत के ऊपर से. क्या रिचार्ज कर रहा है अपुन. रिचार्ज कर रहा है क्या. डबल किल. ये गया इसके मुंह पे. छुपेगा छुपेगा मुझसे छुपेगा. उड़ने से हमारी ज्यादा एनर्जी जाती नहीं. बिल्कुल भी नहीं जाती ऑलमोस्ट. Yes. Wonderful. इतनी अनोखी ताकत. भाई सुपर हीरोज को तो इसने पीछे छोड़ दिया. फ्लाइंग टेलीकिनेसिस लॉन्च पॉन्च पता नहीं क्या क्या कर दिया इसने. ये तो गए काम से. इसको पता नहीं चला गोली कहाँ से. ऊपर वाली फ्लोर पे जाओ और इनको मारना चालू करो. गए हो काम से. नीचे चला गया ये मेरे. कोई बचा. अब कोई पंगा लेने आएगा हमसे. कभी नहीं. ऊपर भी तो हवे में डॉज कर सकता हूँ मैं. Out with the TV. Now I can find Dylan. TV तो हो गया काम तमाम. अब Dylan को भी ढूंढना है. Levitate करके मुझे वापस जाना है. सही यार सही. अब यहां से तो उड़ते ही चले जाओ. उड़ते ही चले जाओ. रुकने का नहीं. ये मस्त है. क्या लग रहा है. ये सब क्यों टूटने लगा अचानक. ये दुनिया सही क्यों नहीं. ओपन डरा दिया. ये उड़ने वाले ही आ गए यार. मुंह पे आके मरा ये. अरे क्या गन है भाई. पागल. ये उड़ने वाले सबसे यार बकवास लोग हैं. डॉज भी कर लेते हैं. लगती भी नहीं है. ये ले पिता. हट. रॉकेट भी छोड़ रहा ऊपर से यार. ये पड़ गया. बस कहाँ है.
तेरी तो इधर अपना कुत्ता बना के मारूंगा अब मैं तुझको, समझा? ये भी भाग रहे, तब भी भाग रहे, भाग भाग यहां से। जाना गया आप उनको ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत कहां मुंडी फंस रही है लौंडी अखी, कहा चाहती है ये पागल, उल्टा तो नहीं जाना कहीं मुझे ऊपर, अब तो लिफ्ट की भी जरूरत नहीं है। ये है क्या मेरे पीछे? फॉल डैमेज ज्यादा खा रही है ये लेविटेशन के बावजूद। अब वो लिफ्ट कहाँ थी? उस फ्रीजर वाले बंदे को भी बचाना है बाद में, एक बार डिलन को बचा लूं। ओ, ये कहाँ पे चिल आउट मार रहा है? हेलो, क्या लग गया मेरे मुंह पे? I'm dead. Almost. Oh. सीधा यहीं से चढ़ना पड़ेगा लगता है, यही बताना चाहता है ये। लेवल 5 P6 सेल, सर्च फॉर डिलन इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल। ले पत्थर, मुझे चोट कैसे लग गई? दोनों ने साथ में गोली चलाई। लुक एट दैट स्वान भाई, ये भी OOP है। इतने यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, क्या बताएं। नंबर 12 मैक्सिमम सिक्योरिटी कहाँ पे? यहाँ पे अलार्म बज रहा है, ये था उसका सेल। ही सो क्लोज, कैन यू फील हिम? व्हाट, बिल्कुल बंद पड़ा है, तो खुल रहा है। डिलन, तेरी बहन आ गई है। Can you hear me? Jesse. ये पोप की कॉल कहां से आ रही है यार? Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. वो उनके वहां पहुंच गया। We need to get back. वो खुद बोल रहा है कि वो इन्फेक्टेड है। The face of the enemy. Speak with Emily. फ्रिज टूटी भी करनी है अब मुझे, अभी भी लेवल 6 क्लियरेंस नहीं मिला है। जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तो मैं फटाफट वापस कैसे जाऊंगा? हम लोग नीचे जा सकते हैं उसके सेल की तरफ जहां पे उसने जेसी लिखा हुआ है। क्या वो हमको पुकार रहा था? कंट्रोल पॉइंट है क्या? सीधा वापस भी जा पाएंगे हम एमिली के पास, टुवर्ड्स दी बोर्ड रूम। यहाँ पे रखा था उसको, उसने जेसी क्यों लिख रखा है यहाँ पे? कहीं डिलन ही तो हमारे दिमाग के अंदर नहीं है? सब कुछ है यहाँ पे। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ओह नाइस, इसके ऊपर भी चीज़ है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, क्या हुआ डिलन के साथ ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले लाइक ठोकना फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, फटाफट ठोकिए फॉर मोर, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो कि आपको पता चले नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, और कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट मोमेंट आज के एपिसोड में से, कैसी लगी आपको ये लेविटेशन वाली पावर। मिलता हूँ अगली बार विद मोर, तब तक के लिए बाय बाय।